45 मिनट, जिसे लिखा है अनिल गर्ग ने और आवाज दी है आरजे अखिल ने। अश्मी के माता पिता अपनी लाडली को देखकर बुरी तरह से बिलख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्ची आज सुबह हंसते हंसते कॉलेज आई थी और जो शाम को अपनी मम्मी को जल्दी आने का वादा करके आई थी, वो अब अपने घर वापस कभी नहीं जाएगी। उनका विलाप देखकर एक बारगी आपका ये खादिम भी भावुक हो उठा और मन ही मन कसम खाई कि इस मासूम के हत्यारे को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर चुकी थी। अब अश्मी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। इंस्पेक्टर राजेश अपनी कागजी खाना पूर्ति में अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। डॉग स्क्वाड भी अपना काम कर चुकी थी। मैंने फिर से रुबीना का रुख किया। रुबीना अपने ग्रुप के साथियों के साथ गमगीन मुद्रा में घिरी बैठी थी। अश्मी कहाँ रहती थी, मैंने रुबीना से पूछा। जी शास्त्री नगर, रुबीना ने उत्तर दिया। कॉलेज कैसे आती जाती थी, मैंने फिर पूछा। सर वो बस या ऑटो से ही आना जाना करती थी, इस बार उसकी दूसरी फ्रेंड निधि ने जवाब दिया। कभी कुछ बताया था कि उसे रास्ते में कोई परेशान करता हो या उसका पीछा करता हो, मैंने एक नई संभावना टटोली। नहीं सर, ऐसा तो उसने कभी हमारे सामने जिक्र नहीं किया। काफी खुश मिजाज लड़की थी, हमारे तो ग्रुप की जान चली गई। इस बार बोलने वाला युवक आर्यन था, जिसकी आंखें अभी तक गीली थी। कॉलेज में कोई लड़का या कोई और उसे परेशान करता हो, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज में यौन शोषण के केस लगातार सामने आ रहे थे। हमारी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या, मैं उत्सुकता से उस लड़की की तरफ घूमा। सर हमारे एक प्रोफेसर उसे अकेले में बुलाने पर बहुत जोर देते थे, लेकिन अश्मी कभी गई नहीं उनके पास, जिस वजह से वो प्रोफेसर उनसे बहुत नाराज थे। इस बार मेघा ने ये काम की बात बताई। क्या नाम है उस प्रोफेसर का, मैंने मेघा से पूछा। प्रोफेसर उमाकांत तिवारी, वो हमें जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, मेघा ने बताया। थैंक यू मेघा, आपने बहुत काम की बात बताई है, मैंने मेघा को धन्यवाद किया। आप हमारी फ्रेंड के कातिल को जल्द से जल्द पकड़िए सर, मैं उस दिन आपका ये थैंक्स कबूल करूंगी जिस दिन आप उसके हत्यारे को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दोगे। मेघा ने मेरे सामने एक नया चैलेंज रख दिया। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि बहुत जल्द अश्मी का कातिल आपके सामने नहीं, आपके कदमों में पड़ा होगा। मैंने उन सभी को वादा किया। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मैं अपने ऑफिस में पहुंचा, रागनी और मेरा चपरासी रमेश दोनों ऑफिस में ही थे। रागनी ने मुझे देखकर अभिवादन में अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। मैं भी उसी अंदाज में उसके अभिवादन का जवाब देकर अपने कैबिन में घुस गया। रमेश ने मेरी टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रखा। सर चाय बना लाऊं, रमेश को पता है मैं ऑफिस आकर चाय जरूर पीता हूं। हाँ बना लाओ और रागनी को भेजो मेरे पास, मैंने रमेश से बोला। कुछ ही देर में रागनी मेरे कैबिन में मेरे सामने बैठी थी। क्या रहा अश्मी के केस में, रागनी ने बैठते ही पूछा। अभी तो कुछ खास पता नहीं चला, बस उसकी एक सहेली ने बताया कि उसे एक प्रोफेसर परेशान कर रहा था, मैंने रागनी को बताया। ओ लेकिन कोई प्रोफेसर भरे कॉलेज में इस तरह दिन दहाड़े किसी लड़की का गला नहीं रेत सकता, रागनी ने तथ्यात्मक बात की। यही मेरी समझ में आ रहा है, मुझे ये काम किसी ठुकराए हुए आशिक का लग रहा है, मैंने अपना ओपिनियन रागनी को बताया। एक 18 साल की लड़की से किसी और की क्या दुश्मनी हो सकती है, रागनी भी लगभग मेरी बात से सहमत दिखाई दी। कोई पारिवारिक एंगल मिला क्या, रागनी पुनः बोली। नहीं अभी परिवार वालों से बात नहीं की है मैंने, सिर्फ उसकी क्लास के उसके फ्रेंड से ही थोड़ी बहुत पूछताछ की है। आज कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन था, आज तो बाहरी लोगों का भी अच्छा खासा जमावड़ा होगा कॉलेज में, लेकिन कोई बाहर से आकर कॉलेज में इतनी भीड़ भाड़ में इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है, जहां उसके पकड़े जाने के चांस ज्यादा हो। जिस तरीके से कत्ल हुआ वो सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि किसी चोट खाए हुए आशिक ने अश्मी की जान ली है, लेकिन ऐसे अनजान आशिक को ढूंढोगे कैसे। स्वीट हार्ट मत भूलो कि ऐसे लोगों को ढूंढना ही मेरा पेशा है। ओह
आज तुम्हें मैं कैसे स्वीट हार्ट नजर आने लगी? रागिनी ने अचंभित अंदाज में पूछा। भगवान ने मुझे दिन में किसी ना किसी को स्वीट हार्ट, जाने बहार, गुले गुलजार और भी ना जाने क्या क्या इस शहर की हसीनाओं को इन उपमाओं से नवाजने का वरदान दिया हुआ है। इसीलिए जिस दिन कोई नहीं मिलता उस दिन ये सारी उपमाएं मैं तुम्हें दे देता हूँ। मतलब मैं फालतू की चीज हूँ कि जब कोई ना मिले तो मुझे दे दो। रागिनी को मेरी बात सुनकर गुस्सा आया था। मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? रमेश, कोई चाय वाय मत बनाना साहब के लिए, और बनाओ तो बिना दूध और बिना चीनी की बना कर देना। भगवान ने मुझे भी एक वरदान दिया हुआ है कि अपने बॉस को बिना दूध और चीनी की चाय बनाकर पिलानी है। रागिनी बुरी तरह से भड़की हुई थी और मेरी भलाई इसी में थी कि मैं चुपचाप ऑफिस से खिसक लूं। सौभाग्य से उसी वक्त मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया और मैं अपनी झेप मिटाता हुआ फोन पर हेलो हेलो करता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। अगले दिन अश्मी का दाह संस्कार किया गया था। मैं शास्त्री नगर उसके निवास पर जब पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे। मैंने अश्मी के पिता को अपना परिचय दिया तो वो मुझसे बातचीत के लिए तैयार हो गए। वो मुझे लेकर घर की छत पर आ गए क्योंकि नीचे पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। घर का माहौल पूरा गमगीन था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अश्मी के पिता, जिनका नाम उमेश थपलियाल था और शायद किसी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखते थे। अश्मी ने कभी कोई ऐसी शिकायत आप लोगों से की थी क्या कि रास्ते में कोई लड़का आते जाते उसे परेशान करता है? नहीं, ऐसी कोई बात उसने मुझे कभी नहीं बताई। उमेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा। आपकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी है क्या जो आपको इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता हो कि आपकी इकलौती बेटी की जान तक ले ले? मैंने अगला सवाल किया। नहीं, हम तो सीधे साधे लोग हैं साहब। हमारा तो आज तक किसी पड़ोसी तक से कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर ऐसी दुश्मनी किसी से क्या होगी? उमेश जी ने उलझन भरे स्वर में कहा। आखिर कोई तो उद्देश्य होगा हत्यारे का अश्मी को मारने के पीछे। आखिर कोई यूं तो किसी को नहीं मार डालता। मैंने दार्शनिक वाले अंदाज में अश्मी के पिता को बोला। हम भी तो यही जानना चाहते हैं अनुज जी कि किसने हमारी फूल जैसी बच्ची को बिना वजह ही मार डाला। अश्मी के पिता की आंखें अब भर आई थी। किसी रिश्तेदार से कोई संपत्ति इत्यादि का कोई विवाद? मैंने फिर से प्रश्न किया। इतनी बड़ी संपत्ति तो कोई है नहीं जिसके लिए किसी का मर्डर कर दे। उमेश जी ने मुझे देखकर बोला। आजकल तो 10 रुपए के लिए भी मर्डर हो जाते हैं उमेश जी, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। मैंने उमेश जी को बोला। मैं अश्मी की मम्मी से भी मिलना चाहता हूं। मैंने अश्मी के पिता को बोला। उनसे मिलकर आप क्या करोगे? जो मैं जानता हूं वो ही वो जानती है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अश्मी के पिता ने बोला। कुछ बातें लड़कियां अपने पिता से नहीं अपनी मम्मी से शेयर करती हैं, और इस केस को हल करने के लिए और हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मेरा हर छोटी से छोटी बात का जानना जरूरी है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ठीक है, आप कल आ जाइए। अभी उसकी मानसिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है और रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा हैं आज। कल आ जाओ आप, सही से बात हो जाएगी। अश्मी के पिता ने बोला। मैं भी उनकी बात से सहमत था, इसीलिए उनसे इजाजत लेकर घर से बाहर आ गया। अब मेरा इरादा आसपास के लोगों से बातचीत करने का था। क्या अश्मी के पिता कुछ छुपा रहे हैं? जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब नया एपिसोड आए तो वो आपको माय पॉकेट सेक्शन में मिल जाए। तब तक सुनते रहिए पॉकेट FM। मैं हूं अखिल, नमस्कार।